हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं SGP डिस्कवर। तो दोस्तों, आज मेरे पास जो ये फ़ोन है, ये है वीवो Y20G, जिसका इंटरनल मेमोरी है 4GB 64GB। तो दोस्तों, आज हम इस फ़ोन का टोटल फुल डिसअसेंबली करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सर्विसिंग भी करेंगे और फिर असेंबली भी करेंगे, और दोस्तों फ़ोन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा फ़ोन। फ़ोन का जो ऊपर वाला साइड है ग्लास का है, इसका जो फ्रेम है प्लास्टिक का है और बैक कवर भी इसका प्लास्टिक का है, और दोस्तों साइड में जो ये पावर स्विच है, इसी के साथ इसका फिंगरप्रिंट भी है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को यहाँ पर स्विच अप कर लेते हैं और उसको उसका बैक कवर को यहाँ से हम निकलते हैं। तो दोस्तों, बैक कवर को निकालने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा हीट भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्का सा, और नहीं भी दे सकते हैं, वो आपका स्किल पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो बैक कवर है वो बहुत ही आसानी से खुल जाता है। अगर आप हीट नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही खुल जाएगा। ये बैक कवर दोस्तों प्लास्टिक का है और बहुत ही अच्छा है, ऐसे आप धीरे धीरे से खोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसका सिर्फ साइड में ही पेस्टिंग रहता है, इसका अंदर में कोई पेस्टिंग नहीं है, एकदम बिल्कुल बॉर्डर से इसका पेस्टिंग है, मिडिल में कोई पेस्टिंग नहीं है, तो ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो बैक कवर है वो यहाँ पर खुल के अलग हो गया, तो इसको हम साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इसको यहाँ पर लगा हुआ है, आपको बारीकी से सबको निकालना है। तो यहाँ पर हम वीडियो का थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो सिम ट्रे को हम बाहर निकाल लिया, और इसका जो फ्रेम है हम फ्रेम को अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों, फ्रेम को जब आप अलग करोगे तो उसका फिंगरप्रिंट के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि फिंगरप्रिंट का जो यहाँ पर पत्ता होता है ये वाला, उसको आपको ध्यान में रखना है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो देखिए, ये था फिंगरप्रिंट का कनेक्शन। दोस्तों देखिए, इस फ्रेम में एक खास बात है, इसका जो वॉल्यूम स्विच है अप डाउन, उसी के साथ इसका पावर स्विच भी है और साथ ही साथ इसका फिंगरप्रिंट भी है। देखिए, ये है आपका दोस्तों, जैसे ये फ्रेम यहाँ पर लगता है आप देख सकते हैं, ऐसे ये जो स्विच है, ये वाला है वॉल्यूम अप डाउन और नीचे है पावर स्विच वाला, और ये इसमें फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, देखिए एक ही साथ, मतलब वो जो स्विच है, जब आप वहाँ पर उंगली को टच करोगे तो वो फिंगरप्रिंट का काम करेगा ऐसे, और जब उस पर आप पिशा डालोगे तो वो पावर स्विच का काम करेगा ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, इसका ये है मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है, मेन कैमरा ये है इसका।
मेन कैमरा। और उसी के साथ ही यहाँ पर दो और कैमरा लगा हुआ है जिसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये दोस्तों जो हमारा सब पीसीबी है उसका कनेक्टर, और यहाँ पर है एलसीडी का कनेक्शन। एलसीडी का कनेक्टर को यहाँ से खोल लेंगे, और यह है बैटरी कनेक्टर। तो दोस्तों चलिए अब हम बैटरी को निकालते हैं। वीवो का जो फ़ोन होता है वह सभी फ़ोनों में बैटरी निकालने के लिए ये प्लास्टिक का एक दिया होता है ऐसे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि बैटरी निकलने में बहुत ही आसानी होती है। आप इसको पकड़ के और खींचिए जोर से, बैटरी निकल आएगा। ये वीवो का लगभग सभी फ़ोन में होता है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बैटरी निकल गया एकदम, कुछ भी खरोच भी नहीं आया। लेकिन दूसरे वाला फ़ोन में जब होता है बैटरी ऐसे पेस्टिंग रहता है नीचे से, बैटरी निकालने का टाइम बैटरी में थोड़ा बहुत खर्च आ ही जाता है। ये है सब पीसीबी कनेक्टर, और ये है एलसीडी कनेक्टर। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका जो स्पीकर है मोबाइल का वो है, और ये वाइब्रेटर है, ये स्पीकर है और साइड में वाइब्रेटर। ये है एंटेना का वायर जो सभी टच फोन में होता है। दोस्तों ये है सब पीसीबी, इसके साथ आपका जो चार्जिंग सॉकेट है वो लगा हुआ है, और साइड में आपको हेडफोन सॉकेट है यहाँ पर, ये देखिए देख सकते हो आप। और दोस्तों यहाँ पर जो माइक है, यहाँ पर माइक भी होता है, यहाँ पर कुछ रस्ट सा पड़ गया है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो कवर है इसका नीचे माइक है, आप देख सकते हैं जो है वो माइक कवर अप किया हुआ है। अगर आपको माइक को चेंज करना है पहले आपको उस कवर को खोलना पड़ेगा, उसी के बाद का आपको माइक दिखाई देगा। ये फोन मुझे लगता है थोड़ा पानी में भीग गया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मुझे मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। ये स्पीकर है दोस्तों, ये हमारा एयर स्पीकर है, और ये एंटेना का तार जो मेन मदरबोर्ड से लगा हुआ है उसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा जो फ्रंट कैमरा है, उसका एक रबर रहता है नीचे से नीचे उसका। तो ये है हमारा फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्पीकर को बाहर निकालते हैं। देखिए स्पीकर बहुत ही छोटा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मेन बोर्ड है उसको निकालने के लिए आप बिल्कुल भी यहाँ पर जल्दबाजी ना करें। देखिए यहाँ पर एक अलग सा स्क्रू है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं निकालते हैं और बोर्ड को निकालने की कोशिश करते हैं तो बोर्ड में क्रैश आ सकता है और आपका बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इस स्क्रू को ऐसे निकालने के बाद धीरे धीरे आपको बोर्ड को बाहर निकालना है। आपको बारीकी से देखना है कि कहाँ से हम इसको प्रेशर दे सकते हैं, कहाँ से ये निकल सकता है, ऐसे आपको बारीकी से देखने के बाद ही यहाँ पर प्रेशर देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, एकदम धीरे धीरे इसको निकालना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देने से दोस्तों बोर्ड में खराब हो सकता है, बोर्ड में क्रैश आ सकता है और आपका बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही सेफली इसको बाहर निकल लिया,
ये है इसका मेन बोर्ड जो काफ़ी अच्छा है। इसका चिपसेट जो है बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर हम फ़ोन के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी हासिल कर लेते हैं और देखते हैं फ़ोन के साथ क्या क्या यहाँ पर आता है। जैसे कि ये 5000 mAh का बैटरी है फ़ोन के साथ। ये है इसका मेन बोर्ड जो बोर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो हीटसिंक वगैरह यहाँ पर लगा रहता है। तो दोस्तों ये है इसका सब PCB बोर्ड, इसका बहुत सारा फंक्शन है। ये है इसका 4 कैमरा, 1 तो फ्रंट कैमरा और 3 है प्राइमरी कैमरा। ये है इसका स्पीकर और ये वाइब्रेटर। तो ये है इसका LCD जो कि HD+ है और इसमें IPS भी मिलता है। इसका स्विच है, ये है सिम ट्रे जिसमें 2 सिम और 1 चिप फिट होता है। ये नेटवर्क के लिए है, ये नेटवर्क के लिए काम करता है। बहुत सारे स्कूप है फ़ोन में और इसका जो बैक कवर है वो प्लास्टिक का है और बहुत ही हल्का सा है सॉफ्ट है, लेकिन इसका जो लुक है वो लुक काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब हम इस फ़ोन का जो असेंबली है शुरू करते हैं। और उसके पहले जो हमें रस्ट दिखाई दे रहा था, ये सब किसी भी जो बोर्ड है इसमें, इसको हम थोड़ा थिनर से साफ कर लेंगे। और थिनर से साफ करने के बाद हम फ़ोन का जो असेंबली है वो शुरू करेंगे। तो ये जो बोर्ड है ये मैंने अच्छी तरह यहाँ पर साफ कर लिया। बोर्ड में काफ़ी सारे फंक्शन है जैसे कि चार्जिंग है, हेडफोन है, माइक है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्विच का जो पत्ता है उसमें 4 कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट यहाँ पर जब 4 एंटेना है उसमें लगता है, उसको टच में रहेगा तो वो 3 जो स्विच है और पावर स्विच वो आपको ठीक से काम करेगा। अगर आप ये ठीक से टच नहीं होगा तो आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा और आप समझोगे कि कुछ और हो गया। दोस्तों हम इसको असेंबली कर रहे हैं, पहले नीचे हम साफ कर लेंगे क्योंकि नीचे अगर कोई इसको वगैरह रहेगा और उसके ऊपर हम फ़ोन को बैठा देंगे तो इसका डिस्प्ले में करा जा सकता है। तो दोस्तों जब हम बोर्ड को यहाँ पर फिट कर रहे हैं तो हमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सिम सॉकेट है उसमें कुछ बाहर निकल के आया था, तो उसको हम अंदर देने के बाद यहाँ पर उसको फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करना है, अगर हम ज़बरदस्ती करते तो वो टूट सकता था। वो जो सिम कनेक्टर है उसका एक लॉक रहता है, वो बाहर निकल के आया था इसलिए वो फिट नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को, हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ज़बरदस्ती से बिल्कुल नहीं करना है। इस स्पीकर है दोस्तों, यहाँ पर हम स्पीकर को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बोलने वाला हूँ। अगर आप एक मोबाइल मिस्त्री हो तो कोई बात नहीं, आप तो ये आसानी से कर लोगे। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं करते हो और फिर भी आप चाहते हो कि आप फ़ोन को खोलें, तो किसी भी कारण आपको फ़ोन को खोलने की ज़रूरत पड़ सकता है। क्योंकि अगर देखिए आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है और इमरजेंसी में आपको फ़ोन को खोलना है, तो दोस्तों इस तरह से आप फ़ोन को धीरे धीरे खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो कीजिए और अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप फ़ोन को खोलते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा ले आपके पास, मैंने हाथ में बहुत ज़्यादा टाइम ले कर फ़ोन को खोले, मतलब हड़बड़ी बिल्कुल नहीं यहाँ पर चलने वाली। क्योंकि आप फ़ोन को खोलेंगे तभी जब आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन करने चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम को सलूशन करने के चक्कर में दूसरा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आप मोबाइल का मिस्त्री नहीं हो, मोबाइल आपका काम नहीं है, मोबाइल रिपेयरिंग, तो आपको ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो यहाँ पर जो कैमरा है उसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है, जो कैमरा जहाँ पर फिट था उसको वहीं पर फिट करना है, आपको ये ख्याल रखना है। ये जो एंटेना का तार है दोस्तों, अगर आप इसको नहीं लगाते हो, छोड़ देते हो खुला, तो आपका फ़ोन में टावर नहीं आएगा, नेटवर्क नहीं आएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि क्यों नहीं आ रहा है। जैसे कि ये सब पत्ता वगैरह है, अगर ये छूट जाता है तो डिस्प्ले नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा, तो आप समझ जाओगे। लेकिन वो जो नेटवर्क का वायर मैं आपको दिखा रहा था, अगर वो आप यहाँ पर फिट नहीं करते हो तो नेटवर्क नहीं आएगा। देखिए इसका दोनों तरफ ऊपर भी नीचे भी अच्छी तरह कनेक्ट कर देना है। तो बैटरी को यहाँ पर हमने फिट कर दिया और अब यहाँ पर हम फोन को यहाँ पर चेक कर लेना है कि अब तक मैंने जो यहाँ पर काम किया तो ये वो परफेक्ट हुआ कि नहीं। इसलिए यहाँ पर फ़ोन को ऑन करके एक बार देख लेना है कि हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन ऑन हो रहा है, मतलब जितना यहाँ पर मैंने काम किया वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो असेंबली है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक छोटा वाला स्क्रू रखता है, उसको वहाँ पर लगाने के बाद ये जो फ्रेम है उसको यहाँ पर सेट करना है। फिंगरप्रिंट को कनेक्ट करने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे। अब धीरे धीरे प्रेशर दे के इसको हम लॉक कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वीडियो आपका या फिर किसी और का काम आ सकता है, इस वीडियो से किसी का भी फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का मोबाइल रिपेयरिंग का वीडियो हम रेगुलर बेसिस में यूट्यूब में डालते रहते हैं। ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू सब एक नहीं है, मतलब का साइज सब एक समान नहीं है, अलग अलग साइज का स्क्रू रहता है फोन में। ये जो बैक कवर है हम इसको अब यहाँ पर टेस्टिंग कर देंगे। ये जो इसका गम है अभी तक ये सूखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर नया से गम नहीं लगाऊंगा, इसको यहाँ पर टेस्टिंग कर दूंगा और यहाँ पर अच्छे से ये टेस्टिंग भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अभी अभी खोला है कुछ टाइम पहले। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया। और ये देख के मालूम ही नहीं पड़ेगा कि फोन को खोला गया था, एकदम अच्छी तरह यहाँ पर इसको हमने टेस्टिंग कर दिया। तो दोस्तों, तो हमारा जो असेंबली है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम फोन को ऑन करेंगे, ऑन करके देखेंगे इसका जो वॉल्यूम अप डाउन स्विच है, पावर स्विच है और फोन का जो टच है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ़ोन ऑन हो गया। अब हम चेक करेंगे इसका वॉल्यूम स्विच को, पावर स्विच को और टच के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और कई दूसरे अच्छे वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, सभी स्विच यहाँ पर काम कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।